Assalamualaikum students, मैं हूँ अबीब रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप आखिर तक तसल्ली से देखिए और इस लेक्चर के आखिर में कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं और स्टार्टिंग में भी कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, तो वो रिएक्शंस थोड़े से कम्प्लेक्स है, थोड़े से पेचीदा है, लेकिन आप इसे ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये आप जहन में रखिए कि ये उस वक़्त की बात है जब प्रोटॉन डिस्कवर था और न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था। तो उस साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई और पार्टिकल भी मौजूद है। क्यों उसने ये बात की? क्योंकि जब भी एटम को वज़न किया जाता था, अब फ़र्ज़ करें एटम में दो प्रोटॉन थे, अब जब वज़न किया जाता था तो वो चार प्रोटॉन के बराबर वज़न आ रहा होता था, और अगर एटम में एक प्रोटॉन था तो उसका वेट दो के इक्वल आ रहा होता था। अब उन्होंने कहा कि आखिर वेट बढ़ क्यों रहा है? इट मीन्स कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज़ मौजूद है। लेकिन रदरफोर्ड बदकिस्मती से जो है डिस्कवर तो नहीं कर सका इस पार्टिकल को, बाद में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर कर लिया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका प्रोडक्शन के न्यूट्रॉन को इसने डिस्कवर कैसे किया जेम्स चैडविक ने, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसने क्या किया कि हीलियम के पार्टिकल्स लिए। क्या लिए इसने? हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब मैं साथ साथ आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना करके समझाता रहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट्स, ये हीलियम जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ नीचे मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए जी, ये जो 2 है इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स 2 है, ठीक, क्योंकि ये जो प्रोटॉन की तादाद है ये एटॉमिक नंबर को शो करती है। प्रोटॉन की तादाद किस चीज़ को शो करती है? एटॉमिक नंबर को। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और ये जो ऊपर जो चीज़ है ये इसका एटॉमिक मास है, ठीक, या जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मजमुआ होता है। अब हुआ क्या, हीलियम का मैं डायग्राम बना रहा था, इसमें 2 प्रोटॉन हैं, इट मींस इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, और 2 मिलकर इसका एटॉमिक मास क्या हो रहा है? 4 आ रहा है, ठीक। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है और हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। अब इसने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने, इसने हीलियम की बम्बार्डमेंट की, सही, इसने हीलियम की बम्बार्डमेंट की बोरोन पर, किस एटम पर? सॉरी, बेरिलियम पर। इसने हीलियम की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पर। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास 9 है। अब मैं इधर बेरिलियम का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेता हूँ, ठीक। तो प्रोटॉन अगर इसके अंदर 4 हों तो इसका एटॉमिक नंबर 4 आ जाएगा, और न्यूट्रॉन इसमें अगर 5 हो तो इसका एटॉमिक मास 4 और 5 मिलकर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसने हीलियम की बम्बार्डमेंट की किसके ऊपर, ठीक है, ये देखना मैं दोनों रिएक्शंस को साथ साथ चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका रिएक्शन करके। तो हीलियम की बम्बार्डमेंट की गई बेरिलियम के ऊपर, यहाँ आप देख ले। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे,
ये जब बेरिलियम के साथ टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, इसके जो दो प्रोटॉन थे ये इसके दो प्रोटॉन के साथ मिल गए, ठीक है। इसके जो दो प्रोटॉन थे ये इसके दो प्रोटॉन के साथ क्या हो गए, मिल गए। मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। ये दो प्रोटॉन इस दो प्रोटॉन के साथ मिल गए, और जब ये दो प्रोटॉन इन दो प्रोटॉन के साथ मिल जाए तो नतीजे में जो चीज़ पैदा होगा वो छः प्रोटॉन वाला पैदा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो न्यूट्रॉन थे नीचे वाले, ये दो न्यूट्रॉन यहाँ आकर इनके साथ मिल गए, ठीक। अब दो न्यूट्रॉन ये हैं और पांच ये सात होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो हमें छः नज़र आ रहे हैं, ठीक। कितने नज़र आ रहे हैं, छः नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो प्रोटॉन छः हो गए और न्यूट्रॉन क्या हो गए, छः। इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन बीच में से गायब हो गया, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रॉन बीच में आपको नज़र नहीं आ रहा, वो न्यूट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, वो बाहर निकल करके चला गया, यानी वो न्यूट्रॉन खारिज हो गया। और ये जो छः प्रोटॉन और छः न्यूट्रॉन एक अलग न्यूक्लियस में चले गए, तो इन्होंने एक नया एटम बना दिया, और वो एटम किस चीज़ का था, कार्बन का था। छः प्रोटॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर छः, और छः और छः मिलकर 12, एटॉमिक मास 12, तो कार्बन का एटम बन गया। और कार्बन के एटम के बनने के साथ साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है न्यूट्रॉन का मास है, और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं, मीन्स इस पर कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको यही स्ट्रक्चर कुछ और अंदाज में समझाता हूँ, ठीक। अब इसमें क्या किया, कोई सोर्स लिया, क्या लिया, कोई सोर्स लिया, ठीक, जिसे कोई ऐसा सोर्स लिया जिससे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है। इसमें फर्ज करे जैसे इसने पोलोनियम को लिया, ठीक है, किसको लिया, पोलोनियम को। तो कोई भी ऐसा एटम, रेडियो एक्टिव एटम जिससे रेडियो एक्टिविटी खारिज हो वो ले सकते हैं। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स मुसलसल खारिज हो रहे थे, क्या निकल रहे थे इसमें से, अल्फा पार्टिकल्स। अब इन अल्फा पार्टिकल्स की उसने बमबारी की, और बमबारी किस चीज़ के ऊपर की, इन अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी उसने बेरिलियम के ऊपर की, ठीक। इन अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी उसने किसके ऊपर की, बेरिलियम के ऊपर की, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स जब जा करके बेरिलियम के साथ टकराए, किसके साथ जा करके जब टकराए, तो बेरिलियम के एटमों के न्यूक्लियाई को इन्होंने तोड़ दिया, बेरिलियम के एटमों के न्यूक्लियाई को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और बेरिलियम जब, बेरिलियम के एटमों के न्यूक्लियाई जब टूट गए तो उसमें से एक तो नए एटम्स बन गए, जिसे हम कार्बन कह रहे थे, ठीक, कुछ तो नए एटम्स बन गए। और कुछ इसमें से पार्टिकल्स ऐसे थे जो आगे की तरफ चले गए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो आगे की तरफ चले गए, और वो पार्टिकल क्या थे, वो न्यूट्रॉन थे। वो पार्टिकल क्या थे, वो पार्टिकल न्यूट्रॉन्स थे। अब बात यह है कि उस साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि कुछ पार्टिकल्स रिमूव हुए हैं, आगे की तरफ चले गए हैं। तो असल में हुआ ये कि इस साइंटिस्ट ने ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के करते वक्त इर्द गिर्द इसने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया था। फर्ज करें ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, सही, वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के बीचों बीच ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर खास बात ये होती है कि जब भी कोई पार्टिकल उसके साथ जाकर के टकराएगा तो उसके टकराने की वजह से, इन पार्टिकल के टकराने की वजह से यहाँ पर निशान पड़ जाएगा। तो इन निशान के पड़ने से मालूम हुआ कि यहाँ कोई चीज़ आकर के टकराया है, ठीक है।
तो इस तरह उसको मालूम हुआ कि यहाँ कोई चीज आकर के टकराया है। अब अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स के जो इधर आकर टकरा रहे हैं, अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स के इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रख दें, तो हमें पता चल जाएगा कि इन पार्टिकल्स पर कोई चार्ज है या नहीं। अब जब उसने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रखा, तो ये जो पार्टिकल्स थे ये ना तो इस तरफ को मुड़े और ना ही ये पार्टिकल इस तरफ को मुड़े, बल्कि ये पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इन्हीं को बाद में चार्ज ना होने की वजह से, चार्ज ना होने की वजह से इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह उसने डिस्कवर किया। अगर आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा इसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1920 रदरफोर्ड प्रिडिक्टेड दैट, रदरफोर्ड ने पेशन गोई की, रदरफोर्ड ने क्या किया, पेशन गोई की, दैट अ न्यूट्रल पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कि एक न्यूट्रल पार्टिकल लाजमी होना चाहिए न्यूक्लियस में, विच मे कंटेन द मास इक्वल टू प्रोटॉन, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। अब उसने ये पेशन गोई की कि इस प्रिडिक्शन वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, उसकी पेशन गोई की बुनियाद ये थी, दैट व्हेन एवर मास ऑफ एन एटम वाज कैलकुलेटेड, जब भी किसी एटम के मास को कैलकुलेट किया जाता, इट वाज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो इसका मास हमेशा ज्यादा आ जाता था प्रोटॉन की तादाद से जो न्यूक्लियस में मौजूद थे। मिसाल के तौर पर एक एटम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन थे, तो उस जमाने में न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था, तो इसका मास आना चाहिए था कितना, दो। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करते थे तो मास दो आने के बजाय इसका मास आ रहा होता था चार। तब उन्होंने कहा कि जो मास के अंदर दो का इंक्रीज आ रहा है, तो वो दो लाजमी यहाँ मौजूद होगा, और वो है क्या चीज, इसी को मालूम किया गया बाद में। His prediction was based on the fact that, उसकी prediction की बुनियाद थी कि जब भी एटम के मास को कैलकुलेट करते तो वो हमेशा ज्यादा हो जाता प्रोटॉन की तादाद से जो न्यूक्लियस में थे। डू रिमेम्बर दैट न्यूट्रॉन वॉज अननोन, अब ये आपने जहन में रखना कि उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था। मिसाल के तौर पर मास ऑफ हीलियम शुड बी टू, मास ऑफ हीलियम टू होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, दो, लेकिन मास कितने आ रहा था, चार। टू एज इट कंटेन्स टू प्रोटॉन्स, बट इट्स मास वाज फोर, लेकिन इसका मास आ रहा था चार। इट मीन्स देयर मस्ट बी अनदर पार्टिकल इन न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियस में कुछ और पार्टिकल भी हैं। ड्यू टू विच मास ऑफ सबस्टांस वाज बिकमिंग इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से इसका मास ज्यादा आ रहा था। इन 1932 फिर 1932 में जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को क्या किया, डिस्कवर कर लिया बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के जरिए। अब रेडियो एक्टिविटी कहते हैं तापकारी को, ठीक है, और तापकारी का क्या मतलब होता है, तापकारी का मतलब होता है कुछ खास किस्म की, जैसे अल्फा, बीटा, गेमा, इस तरह की श्वाओं का रिलीज होना। चैडविक बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, चैडविक ने बम्बारी की अल्फा पार्टिकल्स की एक बेरिलियम के शीट पर, देखें इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारी की बेरिलियम के शीट पर, ठीक, ये बेरिलियम का शीट है, इस पर इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारी की। एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट, इस बम्बारी के नतीजे में सम हाईली पेनिट्रेटिंग रेज वर प्रोड्यूस, कुछ बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेट होने वाले, और पेनिट्रेट का मतलब होता है घुस जाने वाले, यानी किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाने वाले, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट हाईली पेनिट्रेटिंग रेज वर प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा दाखिल होने वाले रेज पैदा हो गए। These particles add a much bigger weight than proton. इनका मास प्रोटोन से थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक। They showed no deflection electric or magnetic field. इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं की। डिफ्लेक्शन कहते हैं मुड़ने को, ठीक है।
Thus they were called neutron. बस इनको न्यूट्रॉन कहा गया क्योंकि ये न्यूट्रल थे. ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, सीधे चले गए, तो ये न्यूट्रल थे इसलिए इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया. अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर. न्यूट्रल इन नेचर, कोई चार्ज नहीं इन पर. दे कैन नॉट आयोनाइज गैस, ये किसी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन किसको कहते हैं, फर्ज करें किसी भी एटम का ये प्रोटॉन हो या सॉरी न्यूक्लियस हो, फर्ज करें एक एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका शेल है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है. ठीक, अगर कोई जर्रा आकर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दे, क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद बाकी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम कहेंगे ये आयोनाइज हो गया. क्या हो गया, आयोनाइज हुआ. तो ये जो न्यूट्रॉन्स थे ये आयोनाइज किसी को नहीं कर सकते. वजह क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते बल्कि ये पार्टिकल्स डायरेक्ट न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं. क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस को ही तोड़ देते हैं. पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स बहुत ज्यादा घुसने वाले हैं यानी न्यूक्लियस को तोड़ने वाले हैं. कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर पेपर, ये प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं वाटर में से या पेपर में से. फर्ज करें अब किसी चीज के अंदर ये प्लस का मतलब है प्रोटॉन्स मौजूद है. ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रॉन्स इसके साथ आकर टकराएंगे, न्यूट्रॉन अगर इसके साथ आकर टकराएंगे तो इन प्रोटॉन्स को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. मास इज 1.00876 एटॉमिक मास यूनिट, ये इनका मास है. अब समझने की बात ये है स्टूडेंट्स, मैंने इसको अलग कलर में इसलिए लिखा, यहाँ कुछ समझने की बात है. फ्री न्यूट्रॉन डीकेज, जो फ्री न्यूट्रॉन है वो टूट जाता है इनटू अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रिनो में. क्या मतलब हुआ, अब देखना ये एक न्यूट्रॉन है. ठीक है, तो जब भी ये न्यूट्रॉन टूट जाएगा तो इस न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बनेगा जिसका मास 1 होगा और जिसका चार्ज भी 1 होगा, प्लस 1 चार्ज होगा. ठीक है, ये नीचे चार्ज है ऊपर इसका मास है और साथ साथ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ठीक है, जिसका चार्ज -1 होगा और इसका मास तकरीबन ना होने के बराबर होगा. ठीक है, चार्ज -1 लेकिन मास ना होने के बराबर. और तीसरे नंबर पर इसमें से एक पार्टिकल निकलेगा जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं और न्यूट्रिनो का ना तो मास होता है ना चार्ज होता है. ठीक है, इंतहाई हल्का पार्टिकल होता है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट. अब ये भी आप ध्यान में रखिए, न्यूट्रॉन दो किस्म के, एक स्लो ट्रेवल करने वाले और दूसरा फास्ट ट्रेवल करने वाले. तो जो स्लो ट्रेवल करने वाले न्यूट्रॉन होते हैं, ये वाले स्लो ट्रेवल करने वाले, ठीक है, इनकी जो ट्रेवलिंग की रफ्तार होती है वो होती है 1 से 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इनकी रफ्तार होती है. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्लो इन न्यूट्रॉन, सॉरी इन्हें हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन. ठीक है, तो फास्ट जो है ये मैं इसको जरा यहाँ से मिटा लेता हूँ, ये 1 से 10 मिली वोल्ट इनका, 1 से 10 मिली वोल्ट इनका रफ्तार होता है. और जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं ये वाले, ठीक है, इनके जो रफ्तार है वो 1 से 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है. और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, स्लो न्यूट्रॉन की जो रफ्तार है वो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है और जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनकी रफ्तार 1 से 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है. अब स्लो न्यूट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, ज्यादा असर क्यों रखते हैं, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन ये सलाहियत नहीं रखते. लास्ट पॉइंट है दे कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकते हैं. क्या मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शन का, अब यहां मैं आपको समझा देता हूं. देखें ये एक न्यूट्रॉन है जिसका मास 1 है और चार्ज इस पर कोई नहीं है. अगर ये जाकर के हिट कर दे नाइट्रोजन के एटम को जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास 14 है, सही, तो ये न्यूट्रॉन को तोड़कर बोरॉन बना देगा. क्या बना देगा, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होगा और मास इसका 11 होगा और साथ में इसमें से अल्फा पार्टिकल
यानी हीलियम का न्यूक्लियस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? ठीक, ये इसमें इसको बोरॉन बना दिया, इसमें से हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, और ये था नाइट्रोजन जिसको हिट किया न्यूट्रॉन ने, और ये है न्यूट्रॉन। सही, ये स्लो न्यूट्रॉन है।